हरे कृष्णा राधे राधे। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज का वीडियो जो है वो पितृ पक्ष से रिलेटेड है। आप सब जानते ही हैं कि पितृ पक्ष शुरू हो चुका है और पितृ पक्ष होता है पुण्य कमाने वाला और अपने पितृओं की मुक्ति दिलाने वाला। अगर आपके कोई भी पितृ की गति अच्छी नहीं हुई है तो आप उनको अच्छी गति दिला सकते हैं, कुछ ऐसे काम करके कि जिनसे उनको मुक्ति मिल सके। पितृ पक्ष में ज़्यादातर पितृ अपने घर वालों से मिलने आते हैं। अगर कोई भी पितृ जिसकी अच्छी गति नहीं हुई है वो अपने घर वालों से मिलने आते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पितृ पक्ष शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हमें क्या-क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष में ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है कि वो समय अच्छा नहीं होता है, हम किसी भी तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते या तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि ये समय अच्छा नहीं होता है, पर ये बिल्कुल गलत बात है। पितृ पक्ष में ज़्यादातर पितृ जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उसी दिन, मतलब उसी तिथि को अपने घर पे आते हैं और देखते हैं कि उनके जाने के बाद उनके परिवार वालों ने उनके लिए क्या किया। अगर उनकी अच्छी गति नहीं हुई है तो वो अपने घर वालों से उम्मीद रखते हैं कि मेरे घर वाले कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे मेरी गति अच्छी हो, मुझे किसी अच्छी योनि में जन्म मिले, मुझे पितृलोक में कष्ट कम मिले। तो हमें ज़्यादातर ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे पितृओं को पितृलोक में कष्ट कम मिले और उनकी जल्द से जल्द मुक्ति हो जाए। तो ऐसे टाइम में हमें ज़्यादातर पुण्य का काम करना चाहिए। गायों को घास का चारा खिलाना चाहिए और इसके साथ थोड़ा सा नमक भी खिलाना चाहिए, जो एक चमत्कारिक उपाय है। गाय के अंदर नमक की कमी हो जाने की वजह से आप ज़्यादातर देखते होंगे कि गाय कहीं पे भी खुजली खुजाने लगती है या चाटने लगती है। तो गाय को घास के चारे के साथ आप थोड़ा नमक भी खिला सकते हैं। ज़्यादातर सबको गाय माता को गुड़ और रोटी तो खिलाते ही है, पर आप नमक भी थोड़ा सा खिला सकते हैं। पितृ पक्ष में जब भी आपके पितरों का श्राद्ध हो, और पितृ पक्ष में आपको श्राद्ध और तर्पण तो अवश्य करना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं जैसे कि वृंदावन जा रहे हैं, तो वहाँ पर यमुना मैया में आपको वहाँ पर पितृओं का तर्पण, उनको याद करके अपने कुल गोत्र का नाम और अपने पितृओं का नाम याद करके उनको उनका तर्पण करवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे पंडित मिल जाएंगे जो आपको पितृओं का तर्पण करवा दें। ऐसा करने से आपके जो भी पितृओं की गति अच्छी नहीं हुई है उनको भी अच्छी गति मिलेगी और वो आपको अच्छे से आशीर्वाद देंगे और बहुत खुश होकर यहाँ से जाएंगे। अगर पितृ खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। जब हमारे पितृ हमसे खुश नहीं होते, हम उनके लिए कुछ भी नहीं करते या उनके जाने के बाद हम उनको याद तक नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करते, तर्पण नहीं करते, तो वो पितृलोक में भी दुखी रहते हैं। उनको ऐसा होता है कि जीते जी तो ठीक है, पर मरने के बाद भी उन्हें किसी ने याद नहीं किया, उनका तर्पण या श्राद्ध नहीं किया। तो पितृ पक्ष में हम उनका श्राद्ध करें, तर्पण करें, तो उनको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाती है और वो खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। जब हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद तो हमें मिलता ही है, पर साथ साथ हमारे पितरों का तर्पण हम वहाँ करेंगे तो हमारे पितरों भी हमें आशीर्वाद देंगे। पर जब भी हम किसी तीर्थ स्थल में जाए पितृ पक्ष के दौरान, तो हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। हम घर से जब निकलते हैं तो हमें भगवान से और मन ही मन में ये प्रार्थना करनी है कि हे मेरे जितने भी पितृ हैं जिनकी अच्छी गति नहीं हुई है, वो सबका उन सबको मुक्ति मिले, उसके लिए मैं ये यात्रा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं भगवान के दर्शन करके भगवान से प्रार्थना करूँगा या करूँगी कि मेरे भी जो भी पितृ हैं जिनकी अच्छी गति नहीं हुई है, जिनको मुक्ति नहीं मिली है, जिनको पितृलोक में कोई भी कष्ट है, तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि उनके कष्ट दूर हो और उनको मुक्ति मिले। और
ऐसा सोच के हमें वहाँ पर उनके नाम का तर्पण करना है, जिससे कि जल्द से जल्द उनको मुक्ति मिले और उनको कष्ट से भी मुक्ति मिले। तो पितृपक्ष में हम हमेशा से जब भी हम जाएं किसी भी तीर्थ स्थल में, तो ज़रूर से हमें उनका तर्पण या श्राद्ध करना चाहिए। और जब भी उनकी तिथि हो, मतलब जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है वो तिथि हो पितृपक्ष में, तब हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनकी पसंदीदा चीज़ें बनानी चाहिए, गौ माता को खिलाना चाहिए, कुत्ते को खिलाना चाहिए, पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए, और किसी गरीब व्यक्ति को उनकी पसंदीदा चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं, मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितृ आप पर खुश रहेंगे होंगे और आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे। पर जब हम ये सब चीज़ें नहीं करते अपने पितरों के पीछे, तो पितृ दुखी होते हैं और तब हमें लगता है पितृदोष। तो पितृदोष से अगर बचना है तो आपको अपने पितरों के पीछे श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। अगर आपको आपके पितरों की तिथि याद नहीं है तो आप उनका श्राद्ध अमावस्या पर ज़रूर करें। उस दिन आप अगर आप तिथि भूल चुके हैं तो उस दिन आपको श्राद्ध करना चाहिए, जिससे कि आपके पितरों को भी मुक्ति मिल सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।